हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में एमएस वर्ड के अंदर बताऊंगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब का हम यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक रिव्यू और एक व्यू। ठीक है, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, और व्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिव्यू टैब का पूरा यूज हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से हमारा है यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेलिंग स्पेलिंग होता है आपका ग्रामर, ग्रामर। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे सर्टिफिकेट, और यहाँ पे मैंने सी की जगह क्या कर दिया, के कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पर रेड लाइन आती है, और एक होता है आपका व्हाट इज कंप्यूटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन। तो रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, और ग्रीन लाइन का मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ रेड लाइन आ रही है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि जो है यहाँ पे इसमें क्या मिस्टेक्स है, हमें ये नहीं पता चल रहा था, तो कभी भी क्या होता है कि एक या दो वर्ड मिस्टेक हो तो आपको यहाँ पे रेड लाइन दिखा देगा। और आपको ये देख ये पता करना है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दे देगा कि आपका इस टाइप का ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, वापस से मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड करके। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते, आप इसी भी किसी वर्ड पे क्लिक करके और राइट क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे सही वर्ड दिखा देगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, अब यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रहा है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हमने आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग ग्रामर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे रिसर्च एंड थेजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए कोई वर्ड हमारा कोई इंग्लिश वर्ड होता है, अगर कोई डिफिकल्ट हो तो उसका मतलब क्या है, तो आप उसके बारे में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, और देखिए रिसर्च जो होगा आपका फाइंड यहाँ से होगा, हम क्लिक इस पे करेंगे थेजर्स पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बटन हमारा यहाँ पे आ चुका है, और इसके बारे में यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास, जैसे इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, इंक्लूड करना। तो आप चाहते हैं कि मुझे ये वर्ड वहाँ पे चाहिए, तो इसी वहाँ पे एरो पे क्लिक करके और यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंक्लूड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो किसी वर्ड के बारे में आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे रिसर्च एंड थेजस का यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट, जैसे द का यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं, टू का यूज कहाँ करते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये सेट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ ऑप्शंस है कि हमारे एमएस वर्ड किस किस लैंग्वेज में होते हैं। तो ये सारे कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा यूज किया हमने, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ओके। उसके बाद वर्ड काउंट, वर्ड काउंट में क्या होता है हमारा, इस पूरे पेज के अंदर, ठीक है, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद जितना भी आपने काम किया हुआ है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, वन वर्ड, यहाँ से वर्ड देखिए 185 वर्ड, यहाँ से देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है ओ एन, ये एक वर्ड होता है हमारा, टी एच ई, ये भी हमारा एक वर्ड है, इंक्लूड, ये भी एक वर्ड है। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो 185। उसके बाद करेक्टर, करेक्टर नो स्पेस, मतलब यहाँ जो आपका देखिए ये ओ एन, ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में स्पेस दिया हुआ था ये इसने स्पेस कैलकुलेट नहीं किया। ओ एन यहाँ पर दो कैरेक्टर हो गया, और टी एच ई में हमारे पास तीन कैरेक्टर हो गया, यानी कि यहाँ टोटल मिला के 5। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल इन तीनों पैराग्राफ में कितने कैरेक्टर्स है, तो 899। उसके बाद करेक्टर विद स्पेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ एन के बाद यहाँ पे एक स्पेस है, उसका टी एच ई के बाद एक स्पेस है, तो आप चाहते हो कि मुझे पूरा कंप्लीट बताना पता करना है कि कितने स्पेस है और कितने कैरेक्टर्स है, तो टोटल सबको मिला के यहाँ पे दिया हुआ है करेक्टर विद स्पेस, यानी कि 1081। ठीक है, पैराग्राफ कितने आपके पास, 3, देखिए 1 2 और ये 3। उसके बाद लाइंस कितने हमारे पास, टोटल 12, 4 4 4 12। ठीक है, तो पूरे वर्ड की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे वर्ड काउंट से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कमेंट, कमेंट क्या होता है, किसी भी वर्ड पे क्लिक करने के बाद, जैसे देखिए इंसर्ट टैब,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट इंक्लूड टैब है ना, जैसे मान लीजिए सपोज ये लुक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू कमेंट पे चला गया। तो यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं कि लुक वर्ड यूज टू सी एनी थिंग्स, जो लुक वर्ड का यूज होता है किसी वर्ड को देखने के लिए। तो देखिए कमेंट लगाने के बाद जब माउस लेके आप इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपको इसके बारे में दिखा देगा, ठीक है। वैसे मैं जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू कमेंट मैंने लिख दिया फॉर्मेटिंग, वर्ड यूज टू एनी फॉर्मेट टेक्स लाइन एंड पैराग्राफ, ठीक है। तो आप किसी भी टेक्स्ट में, लाइन में, पैराग्राफ में जो फॉर्मेटिंग जो आप चेंजिंग कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखिए हमने दो जगह यहाँ पे कमेंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, प्रीव्यू एंड रिजल्ट। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, मुझे यहाँ देखना है कि प्रीव्यू में यहाँ पे क्या दिया, तो यहाँ क्लिक किया आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, प्रीव्यू और रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे किसी कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट में जा करके आप डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये कमेंट हमारा डिलीट हो गया। और इस वाले को डिलीट करना है तो आप एक बार में सारे करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट ऑल, तो ये सारे डिलीट हो गए, ठीक है। उसके बाद ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है हमारा, किसी भी वर्ड में जैसे मैं ये इतना पैराग्राफ है, उसके बाद मैं यहाँ पे जा करके मैंने और भी पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिए इस टाइप से। उसके बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पे बीच में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग है ना एंड अन अनफॉर्मेटिंग टाइप कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। ये देखिए फॉर्मेटिंग एंड अनफॉर्मेटिंग टाइप करने के बाद है ना, मैं यहाँ भी आइटम्स एंड थिंग्स ऐसे टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने सिलेक्टेड है ना टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ टाइप किया। उसके बाद न्यू एंड ओल्ड ये मैंने टाइप कर दिया। तो आपको अगर ये देखना है कि यहाँ पे हमने कितनी जगह चेंज किया है, तो क्या आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो ट्रैक चेंज में जा करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रैक चेंज पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं कहीं भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया चूज एंड क्लिक, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज गैलरी इमेजेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया टेक्स्ट और लाइन, ठीक है। वैसे ही आप कहीं भी चेंज करिए, मैंने दे दिया स्टाइल एंड फॉर्मेट। तो देखिए या आप चेंज करने के बाद अगर आपको लगता है ये सही वर्ड सही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रैक चेंज लगा कर आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ चेंज किया था, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यूज करना है फिर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है। बाद में हमने चेंज करने के बाद हमें लगा कि ये वर्ड सही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट इस टाइप से, ठीक है। वैसे ही हमने देखा कि ये वर्ड हमें सही नहीं है, हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसे रिजेक्ट। तो इस तरीके से हम ट्रैक चेंज और यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने 10 पेज में काम कर लिया और आपने को कई जगह चेंजिंग करके आपको देखना भी है, तो किसका यूज करेंगे, ट्रैक चेंज का। उसके बाद आपको उस वर्ड को एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करिए, अगर रिजेक्ट करना है तो यहाँ पे रिजेक्ट करिए। आपको एक साथ आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे करते हैं रिजेक्ट ऑल, तो आपको ट्रैक चेंज समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ दिया आपका शो मार्कअप, ठीक है, रिव्यू पेन। तो ये सब सेटिंग्स है ये कमेंट और ट्रैक चेंज का, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपेयर। कंपेयर क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ से दोबारा से एक एमएसवर्ड ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए मैं जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किए इस टाइप के, ठीक है। हमने फर्स्ट डे में इतना काम कर लिया किसी भी बुक से या किसी भी डॉक्यूमेंट से, इतना करने के बाद हमने इसे सेव कर दिया कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, दे दिया हमने फाइल 1, ठीक है। उसके बाद हमने इसे क्लोज किया। नेक्स्ट डे हमने दोबारा उसी वर्ड को ओपन किया, देखिए, और हमने यहाँ पे और भी अपनी बुक लेकर के या कोई डॉक्यूमेंट लेकर हमने और भी काम कर लिए बहुत सारे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा मैंने ऐसे कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया सब जगह, ये देखो बहुत सारे लाइन टाइप कर दिए। तो अब हमें ये देखना है कि कल जो हमने काम किया था वो कहाँ तक किया था, तो
तो क्या आपको ऐसे पता चलेगा कि कहाँ तक काम किया था? नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसी वाले डॉक्यूमेंट को भी हम दोबारा सेवेज करेंगे, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया, फाइल टू के नाम से हमने सेव कर दिया, सेव उसी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद देखिए कंपेयर का जो मेन काम होता है कि किसी दो वर्ड के बीच में कंपेयर करना। मुझे ये पता करना था कि कल का काम कहाँ तक था और आज का काम हमने कितना किया है, तो कंपेयर में जा करके यहाँ पे कंपेयर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका दिया हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जाना है ओरिजिनल फर्स्ट वाली फाइल जैसे हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया सेव किया था, और यहाँ से हमने लिया फाइल वन, उसके बाद ओपन, उसके बाद रिवाइज डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पे चले गए फाइल टू, उसके बाद ओपन, ठीक है। तो दोनों फाइलों को ले लिया यहाँ पे, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डाटा आपको दिखा देगा। इन दोनों का बंद कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट डे की काम वर्क हो गया, ठीक है। फर्स्ट डे जो हमने काम किया था वो यहाँ तक है, और सेकेंड डे जो हमने दूसरे दिन काम किया था वो देखिए यहाँ से और ये आपका यहाँ तक है, ठीक है। तो कंपेयर समझ में आ गया, आपको आ गया होगा कि दो कंपेयर का मतलब होता है दो वर्ड के बीच में कंपेयर करना, ठीक है। और उसके बाद देखिए सो सोर्स डॉक्यूमेंट, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ओरिजिनल देखना है, तो ओरिजिनल ये फर्स्ट डे का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखना सो रिवाइज, तो रिवाइज भी दे सकते हैं, इसके नीचे दिया हुआ है ये देखिए, ठीक है। ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सारा रिवाइज डॉक्यूमेंट। उसके बाद मुझे ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल पे क्लिक कर दिया, तो सो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल दिखा रहा है आपका, यहाँ देख सकते हैं नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। रिवाइज देखना है तो रिवाइज भी दे सकते हैं, रिवाइज डॉक्यूमेंट जो आपने दूसरे दिन काम किया था, ठीक है। तो आपको कंपेयर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमने काम किया है, हम यहाँ से देख नया पेज ले लेते हैं, ये देखिए ये हमारा फाइल टू है, तो चलिए इसी में काम करते हैं। तो ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज होता है किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करना, है ना। ये जो आपकी फाइल है यहाँ पे फाइल टू, तो इसको ओपन करने के बाद आप देखिए आपने कोई भी यहाँ पे इसको ओपन करके, ठीक है, लास्ट में कहीं भी बीच से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता है। मैंने यहाँ से यहाँ कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से भी कट कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई भी चेंज या कोई चीज़ डिलीट ना कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिव्यू टैब में जा करके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा आपका, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिशंस एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करना है तो एक बटन आपका और आएगा, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हैं, 123 123, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पासवर्ड डालना है दोनों में सेम डाल दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ओके, ठीक है। और यहाँ से एक बार मैंने सेव कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी आपकी फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। देखिए कट का ऑप्शन आ नहीं है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा। आप इंसर्ट में भी जाएंगे तो कोई भी बटन आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा आपको वर्क करना चाहते हैं तो आपको रिव्यू में जा करके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग रिटर्न पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है स्टॉप प्रोटेक्शंस, फिर दोबारा वही सेम पासवर्ड डाल दीजिए और क्या करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं आपको सारे ऑप्शन दोबारा से आ गए, ठीक है। तो आपको रिव्यू टेस्ट में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको 100% उसका आंसर हम देंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।